गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज सुबह मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। उसका रीज़न है कि कल मॉर्निंग में मेरा लेग डे था और मेरी बॉडी मेरे पिछले वर्कआउट की वजह से बहुत सोर फील कर रही थी, तो मैं कल शाम को जिम गया और सुबह थोड़ा लेट तक सोया। उसकी वजह से कल रात को मुझे थोड़ा लेट नींद आई और मैं जस्ट 5 घंटे सोया हूँ। तो इसलिए मैंने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाई ताकि मैं आज जिम मिस ना करूँ, क्योंकि मुझे आज ये व्लॉग शूट करना है और मुझे उसके लिए मॉर्निंग में वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि शाम को जिम की लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं रहती है तो वर्कआउट वीडियोज़ इतने अच्छे से नहीं आएंगे। इट्स फनी कि कैसे एक छोटी सी चीज़ आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर सकती है। आपको याद हुआ कि मैंने अपने पिछले वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे अपने वर्कआउट्स, अपना वर्क और यूट्यूब कंटेंट मेकिंग को बैलेंस करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। अभी ऑलमोस्ट 7 बजे हैं और आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, तो मैं मिलता हूँ आपसे जिम से आने के बाद। Don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Trying to get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just the false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. There's more to me everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. To leave my house so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, those that exist, probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining. All I wanna do is avoid the violence. But you're here again, I'm losing it. There's no more screaming and silence. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Leave me alone. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. There's more to me everywhere I try to go alone, I find you there. सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो कि अपने चिकन को सोक करना है,
आज मेरी मीटिंग्स हैं जो कि पूरे दिन चलने वाली है, लाइक सुबह 9:30 से लेके 4 बजे तक। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं ये सब कर सकूं, तो ये सब मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। चिकन को सोप करने के लिए मैं डालता हूँ थोड़ा सा विनेगर एंड इतना सा नमक। फिर इसको पानी में डाल के थोड़ा मिक्स करता हूँ। आई थिंक 20 to 30 मिनट ऐसे रखने पे ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और जस्ट 5 मिनट में इसको इजीली कुक कर सकते हैं। मुशी मुशी क्यों ना सा हाय एनी आई अबाउट दिस क्यों मो योर इंस्ट्रूमेंट्स हाय। तो अभी ऑलमोस्ट 1:30 हुए हैं और 1 बजे मेरा ब्रेक हुआ। मेरी मीटिंग बहुत लंबी चली और टाइम ही था मेरे पास ज़्यादा वीडियो शूट करने का, तो मैंने सीधा अपना खाना बनाया एंड खाया, और अभी फिर से मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो मैं आपसे मिलता हूँ मेरा ऑफिस खत्म होने के बाद। तो इट्स 6:30 एंड 5:30 मेरा ऑफिस खत्म हुआ। उसके बाद आई टुक अ शावर। आज मेरी पूरे दिन मीटिंग चली एंड आई वॉज ट्रांसलेटिंग द होल टाइम, तो मैं बहुत मेंटली एंड फिजिकली टायर्ड फील कर रहा हूँ। सम ऑफ यू मे बी वंडरिंग कि मैं क्या करता हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है। सो मैं एक जैपनीज लैंग्वेज ट्रांसलेटर हूँ और आई वर्क इन अ जैपनीज कंपनी इन गुड़गांव। मुझे मेनली मीटिंग्स में मेरी कंपनी के जैपनीज इंजीनियर्स और इंडियन वेंडर्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना होता है, क्योंकि जापान में बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है। मोस्ट मीटिंग टेक्निकल होती हैं एंड एज एन आर्ट्स गाय आई हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ टेक्निकल स्टफ एंड देयर जैपनीज टर्म्स, सो समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग जैपनीज। मुझे बचपन से क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था एंड 11th एंड 12th में 2 साल के लिए मैंने एक क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन की। मैं हॉस्टल में रहता था, बट 2 साल क्रिकेट कोचिंग लेने के बाद आई रियलाइज कि मे बी आई स्टार्टेड वेरी लेट। मुझे एज ए क्रिकेटर कोई पोटेंशियल करियर नहीं दिख रहा था, तो क्रिकेट की वजह से मैंने आर्ट्स स्ट्रीम से 12th की एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं। मेरा एक कज़िन है जिसने जैपनीज लैंग्वेज लर्न कर रखी थी एंड ही वॉज वर्किंग दिस फील्ड, तो उन्होंने मुझे जैपनीज लैंग्वेज सजेस्ट की। इन 2013 आई स्टार्टेड लर्निंग जैपनीज एंड स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था, बट फिर मुझे लगा कि इट वॉज माई ओनली ऑप्शन, तो मैंने बहुत मेहनत की एंड धीरे धीरे आई फेल इन लव विद लर्निंग जैपनीज, और अभी मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 6 साल हो गए हैं। तो मेरी 6:30 की एक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है। पिछले कुछ टाइम से मेरे टीथ में कुछ प्लेक बिल्डअप हो गया है, तो उसको रिमूव कराने के लिए मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। तो मैं आपसे मिलता हूँ वापस आने के बाद। मैं जस्ट अभी अभी डेंटल क्लिनिक से वापस आया हूँ एंड बिकॉज ऑफ द डेंटल प्रोसीजर मैं नेक्स्ट 1 आवर तक कुछ नहीं खा सकता हूँ। तो इस टाइम को मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। अपने स्पेयर टाइम में मुझे जैपनीज एनिमेशन देखना और अमेरिकन टीवी सीरीज देखना पसंद है। जब मैंने जैपनीज लर्न करना स्टार्ट किया था, तो किसी ने मुझे लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए जैपनीज एनिमेशन देखना सजेस्ट किया था, और नाउ आई एम अ ह्यूज एनिमे नर्ड। और सेम गोज फॉर द इंग्लिश। जब मैंने जैपनीज स्टार्ट की थी तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, और मुझे जैपनीज इंग्लिश के थ्रू ही लर्न करनी थी। तो इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए मैंने इंग्लिश कंटेंट देखना स्टार्ट किया। पिछले 7-8 सालों में मैंने बहुत सारे एनिमेशन देखे हैं और बहुत सारी टीवी सीरीज देखी हैं। एनिमेशंस में आई थिंक वन पीस मेरा फेवरेट एनिमेशन है। उसके अलावा मुझे नारुतो ही बहुत अच्छा लगता है, और उसके अलावा मुझे अमेरिकन सिटकॉम्स देखना पसंद है। तो अगर आप लोगों में से कोई जैपनीज एनिमेशन फैन या फिर अमेरिकन टीवी सीरीज फैन है, तो लेट मी नो इन कमेंट्स, और आपके फेवरेट शोज के बारे में मुझे कमेंट्स में बताइए। हे गाइस, तो इट्स अराउंड 10 PM और मैंने जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले अपना डिनर किया और थोड़ा हैवी खा लिया, तो थोड़ा पेट फूला फूला सा लग रहा है, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो थोड़ा खड़ा होकर बना रहा हूँ। तो मैंने सुबह आपको बताया था कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे अपना टाइम मैनेज करता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक सेमिनार अटेंड की थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, बट मुझे जो 3-4 पॉइंट्स याद हैं वो थे कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको आई थिंक ये 3 to 4 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज प्लानिंग। आपको जो भी चीज़ें करनी है उनको आप पहले बिफोर एंड प्लान करो। सेकेंड थिंग वॉज प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क। जो टास्क इम्पोर्टेंट हैं उनको प्रायोरिटाइज करो, पहले उनको करो। उसके बाद बिल्डिंग अ सिस्टम एंड फॉलोइंग इट। एंड फोर्थ वन वॉज कंट्रोल। तो मुझे पूरे दिन में जो जो करना होता है मैं उसको पहले से ही प्लान करता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, टाइम से जिम जाता हूँ, ऑफिस आवर्स में अपना ऑफिस का काम करता हूँ, अपने मील्स टाइम से लेता हूँ,
और एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम निकालता हूँ, और जो रिसेंटली मैंने यूट्यूब कंटेंट मेकिंग स्टार्ट की है इसके लिए भी टाइम निकालता हूँ। तो मैंने एक पूरा ऐसा सिस्टम बना रखा है कि मुझे किस टाइम पे क्या चीजें करनी है, एंड आई जस्ट ट्राई टू फॉलो इट। अब से 1 month पहले आई वॉज एडिक्टेड टू वॉचिंग टीवी। मैं अपने स्पेयर टाइम में बस टीवी देखता रहता था, और मेरा लाइफस्टाइल इतना लेजी हो रखा था कि उसकी वजह से मेरे वर्कआउट्स और मेरी डाइट पे भी इम्पैक्ट आने लग गया था। और मुझे हमेशा से ही यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना था, तो उसको और सीरियसली लेने के लिए मैंने जो मेरा लेजी लाइफस्टाइल था उसको बाय बाय किया, और एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो जो चीज़ें मुझे करनी है उनके लिए मैंने टाइम डिसाइड किया, और अब उनको मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करता रहता हूँ। सुनने में ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, हेक्टिक एंड डिफिकल्ट टू फॉलो लग सकता है, बट आई थिंक इट्स वेरी बेसिक। आई एम क्रेजी अबाउट फिटनेस, और अब मैंने यूट्यूब कंटेंट मेकिंग को भी बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है, तो आई थिंक आई हैव इनफ पैशन एंड डेडिकेशन टू कंटिन्यू दिस लाइफस्टाइल। और मेरे हिसाब से कोई भी ये सब कर सकता है। तो मैंने सुबह वर्कआउट कर लिया फर्स्ट टास्क, फिर अपने ऑफिस आवर्स में अपना ऑफिस काम कर लिया सेकेंड टास्क, देन उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा टाइम निकाला, टीवी वगैरह देखा थर्ड टास्क, और अब 10 बज चुके हैं। जब तक मुझे नींद नहीं आने वाली, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको एडिट करने वाला हूँ, तो मेरा फोर्थ टास्क। तो इसी के साथ आज के वीडियो यहीं पे खत्म होता है, और आगे फ्यूचर में मैं बहुत सारा ऐसा कंटेंट बनाने वाला हूँ जिससे जो लोग फिटनेस करते हैं स्पेशली उनकी बहुत मदद होने वाली है। क्योंकि ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि जो नॉलेज मैंने ओवर द इयर्स गेन की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट टाइम।